हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 5G क्या है? ये 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? 4G के मुकाबले 5G किन किन चीज़ों में बेहतर है? तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पता नहीं है कि नेटवर्क क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, तो आप हमारा लास्ट वीडियो देखें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। 5G बहुत ही लेटेस्ट सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जिसे खास तौर से इंजीनियर किया गया है, जिससे कि वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस को आसानी से बढ़ाया जा सके। वहीं 5G में डेटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से लगभग 20 GBPS से भी ज्यादा की स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके साथ ये बहुत ही कम लेटेंसी जो कि 1 मिलीसेकंड ऑफर करती है, और जहां रियल टाइम फीडबैक की जरूरत है वहां और भी कम। 5G में ज्यादा बैंडविड्थ और एडवांस एंटेना टेक्नोलॉजी होने के कारण इसमें ज्यादा अमाउंट के डेटा को वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ओवरऑल की बात करें तो तब हम 5G के माध्यम से हम बहुत वैरायटी के नए एप्लीकेशन को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के एडवांस फीचर्स कौन कौन से हैं। ये बहुत ही आसानी से 10 से लेकर 100 डिवाइस तक कनेक्ट हो सकता है। ये वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रदान करता है। इससे 90% एनर्जी रिड्यूस हो सकती है। इसमें हाई इंक्रीज पीक बीट रेट होती है। ये लोअर बैटरी कंजप्शन करती है। ये सभी टाइम अवेलेबल होता है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी 99.99% तक की है। इसमें हम प्रैक्टिकली सुपर स्पीड 1 से लेकर 10 GBPS तक पा सकते हैं। यहाँ पर लेटेंसी होती है 1 मिलीसेकंड। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं। अब बात करते हैं 5G के एडवांटेजेस की। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है। इसे प्रीवियस जनरेशन के साथ आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इससे फ्यूचर में आने वाली बड़ी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी, भूकंप को पहले से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे एजुकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दुनिया के किसी भी शोर से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सकता है। 5G के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। ये 5G की टेक्नोलॉजी अभी तक की अंडर प्रोसेस है और इसके पीछे रिसर्च जारी है। जो स्पीड प्रदान करने की बात कर रहे हैं, उसे अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे पुराने डिवाइस इस नई 5G टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जिसके चलते उन्हें बदलना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। इसमें अभी तक भी कोई सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिलेटेड इश्यू मौजूद है, जिन्हें अभी तक सॉल्व करना बाकी है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आपके मन में होगा कि 5G इंडिया में कब आएगा? तो दोस्तों, सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने ट्राई से कहा है कि 3400 से लेकर 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी के लिए शुरुआती दाम सुझाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जल्दी इस संबंध में एक पॉलिसी भी ला सकता है। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में 5G जैसी फास्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी लाने से पहले डेटा होस्टिंग और क्लाउड सर्विस के लिए रेगुलरली कंडीशन में बदलाव लाना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि 5G क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।